हैं लाइक 3, 2 and 1 भू बहुत है। मतलब यहाँ से चेक पोस्ट से निकले और लावा में एंट्री हो गए। कागियो थेचेन लिंग मोनेस्ट्री, लेकिन मुझको ऐसा परमिशन दे दी इन लोगों ने। 20 मिनट पे पहुंच जाऊंगा ऋषभ। तो दोस्तों काफी बड़ी जगह है अलगाड़ा। बीरो मनसंग का है, मनसंग एक ही दिन में सब कुछ दिखा दूंगा दोस्तों मैं आपको। लावा, ऋषभ, अलगाड़ा, मनसंग, डेलो, कालिम्पोंग, AKA व्लॉगिंग हंक। तो पब्लिक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलाखाम। तो कहाँ आता है कोलाखाम? तो कोलाखाम इज वेरी नियर बाय टू लावा एंड कालिम्पोंग। तो अगर आप लोग सिलीगुड़ी साइड से आ रहे हो तो आपको पीसी मित्तल बस स्टॉप से डायरेक्टली बस मिल जाएगी जो आपको यहाँ पर ड्रॉप कर सकती है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग साइड पे हो तो आप शेयरिंग टैक्सी लेके 300 रुपए देके यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो कोलाखाम आता है गोरुमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, उसी के अंदर ये फॉल करता है। इसीलिए रात में यहाँ पे अजीब अजीब जानवर की आवाज आ रही थी, बोल के मैं था अकेला, इसलिए थोड़ी सी दुख दुख हो रही थी। तो कोलाखाम में मैं रुका हूँ साइलेंट वैली इको हट कॉटेज में, जो कि मैंने बुक कराई थी होइटस के थ्रू से। अभी मैंने ब्रेकफास्ट मंगाया है यहाँ पे, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद में मैं आपको मिलता हूँ सीधे बाइक। तो दोस्तों अब इस खूबसूरत सी लोकेशन को बाय बाय बोल करके मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर। सामान वामान मैंने अपना सब बाइक पे माउंट कर दिया है। ठीक है दीपक भाई, नमस्ते। तो दोस्तों ये थे मेरे होस्ट। अभी 10:15 बज रहे हैं और अब मैं निकल रहा हूँ कोलाखाम से। मुझको जाना रहेगा सबसे पहले तो टूवर्ड्स लावा। तो भाई लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी जगह लगी मुझको कोलाखाम, मतलब स्टे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। और कल जहाँ मैं छांगे फॉल्स घूमने गया था वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो कल भी मैंने इस जगह को कवर किया था, इसलिए अब स्पीड में गाना बजा करके निकल जाता हूँ मैं यहाँ से। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं चेक पोस्ट और जो आप लोग सामने टाउन देख रहे हो वही है लावा। थैंक यू। तो भाई लोग लावा में हमारी एंट्री हो गई, मतलब यहां से चेक पोस्ट से निकले और लावा में एंट्री हो गई, लावा जंक्शन कैफे एंड मोर। वाह। तो भाई लोग यहां लावा में मुझको कल एक भाई ने सजेस्ट किया था लावा मोनेस्ट्री जाने के लिए। उधर जाने का कुछ तो सीन बनाता हूँ मैं, बाकी मुझको नीचे कोई तो बड़ा सा स्टेडियम दिखाई दे रहा है लेकिन मेरी इसमें एंट्री कैसे होगी मुझको ये नहीं पता। यहाँ पे लिखा है लावा बाजार और ज़रा चेक करूँ मैं, शायद यही है मोनेस्ट्री। नहीं, ये तो कोई इंस्टीट्यूट दिख रहा है मेरे को, पता करता हूँ यहाँ पे ज़रा मैं। मोनेस्ट्री का है यहाँ पे लावा मोनेस्ट्री, यही है मोनेस्ट्री। बाइक नहीं जाता अंदर, बाइक बाहर लगाना पड़ेगा। तो पब्लिक यहाँ पे गाड़ी लगा दी गई है, एंट्री कहाँ से ये नहीं पता मुझको। यहीं से एंट्री, गेट बंद है क्या अभी? ओ ये रहा मोनेस्ट्री का गेट। सबसे पहले जा करके मैं इधर देखता हूँ क्या है, एक रास्ता इधर से भी जा रहा है। इस जगह का नाम है कागियो थेचेन लिंग मोनेस्ट्री। सुबह 5:30 से शाम के 5:30 तक। दोस्तों मतलब जैसे ही आप कोलाखाम वाला चेक पोस्ट छोड़ते हो और आपकी लावा में एंट्री होती है, हार्डली 50 मीटर चलने के बाद में मेन आएगा लावा बाजार का चौक, वहीं पे राइट हैंड साइड पे बनी है मोनेस्ट्री। तो जाने के बाद में देखते हैं कैसा है सीन यहाँ पे मोनेस्ट्री में। तो भाई लोग आ गए हूँ मैं मोनेस्ट्री के प्रेमिसेस में, वहाँ पर है लावा टाउन, ये बना है मॉन्क लोगों का रूम, वहाँ चल रहा है सौंदर्यकरण का काम। और यहाँ पर ऐसे हमारे कुछ मॉन्क बंधु मेडिटेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा 1 घंटे के लिए होने जा रही है क्लास स्टार्ट, लेकिन मुझको ऐसा परमिशन दे दी इन लोगों ने अंदर आने की। तो क्या ही ब्यूटीफुल बनी है दोस्तों ये मोनेस्ट्री, वाह, बहुत ही खूबसूरत होती है दोस्तों मोनेस्ट्री, मतलब ऐसे कलरफुल। तो यहाँ पे ऐसा दलाई लामा का फ़ोटो लगा है, लेकिन भूटान जाने के बाद में मुझको पता चला कि ऐसा वो लोग हाई लेवल दलाई लामा को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है मॉन्क लोगों का क्लास, मुझको बोला गया जल्दी से हो लो यहाँ पे, उसके बाद में कट लो, मतलब इस लैंग्वेज में नहीं बोला, अच्छी तरीके से बोला गया। ये
मैं ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ अपना? ऑफिस में बात करने से होगा। ऑफिस में बात करने से होगा? कहाँ है ऑफिस? नीचे नीचे वहाँ पे ऑफिस। तो भाई लोग ऐसे ऑफिस में जा रहा हूँ मैं ड्रोन के लिए परमिशन लेने। तो दोस्तों मैं आया था यहाँ पे ऑफिस में, तो सर आपका कहना है यहाँ पे ड्रोन ऐसे नहीं फ्लाई कर सकते, ड्रोन का परमिशन नहीं है ना यहाँ पे? हाँ जी नहीं। ड्रोन का परमिशन नहीं है, तो कोई भी अगर यहाँ पे ऐसे भी आ रहा है बिना पूछे ड्रोन फ्लाई कर रहा है तो आपका कहना है कि उसका ड्रोन जब्त कर लिया जाएगा। हाँ जी हाँ। तो भाई लोग मैं ऊपर जा रहा हूँ, मतलब ऐसा परमिशन मिला है कि दूर से बैठ करके मैं उन लोगों का ऐसा क्लास डिबेट वगैरह देख सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से इन लोगों का क्लास चल रहा है यहाँ पे, मतलब आप देख रहे हो जो सामने खड़े हुए हैं वो लोग उनसे पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, और बीच में ऐसा टिबेट का कह रहे हैं कुछ परंपराएं कि बीच बीच में ऐसे ताली भी बजा रहे हैं ये लोग। तो इसी का मुझको पूछना था कि एक्चुअली में यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, ताली वाली बजाई जा रही है, लेकिन दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, मतलब इस तरीके से सवाल जवाब हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों मैंने ये की चेन यहाँ से लिया एज अ मेमोरी। तो दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ मोनेस्ट्री से, और बहुत ही अच्छी लगी मुझको मोनेस्ट्री, यहाँ का वाइब बहुत ज़्यादा अच्छा था। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, मतलब मॉन्ग से बात हुई, कुछ को हमने कैमरे में भी लिया। तो अगर आप लोग लावा आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि मतलब ये तो मस्ट विजिट प्लेस है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ बाहर, थोड़ा बहुत लावा बाजार एक्सप्लोर करते हैं, व्यू पॉइंट एक दोस्त को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद में जाएंगे ऋषभ। तो अब कैसा भी रहता है सीन आपको पता चलता रहेगा। सबसे पहले जाते हैं हम टूवर्ड्स बाइक। हेलो, सब सामान सेट है, 20 मिनट पे पहुंच जाऊंगा ऋषभ। और वो कहाँ है आई लव लावा व्यू पॉइंट? आई लव लावा व्यू पॉइंट ही नजदीक है, तो 2-3 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है दादा, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी मोनेस्ट्री, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये पूरा है लावा टाउन। तो आगे जाने के बाद में है लावा व्यू पॉइंट, आई लव लावा करके वहाँ पे लिखा है, तो मतलब काफी ज्यादा बड़ा टाउन टाइप का बना है लावा। सही सही यहाँ पे होम स्टे वगैरह बने हुए हैं, मतलब लाइफ सही है, बंदे लोग यहाँ पे ताश वाश खेल रहे बैठ करके। बैंक भी है यहाँ पे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एटीएम बंद है। कहाँ है भाई लावा व्यू पॉइंट? दादा लावा व्यू पॉइंट कहाँ है? व्यू पॉइंट हाँ हाँ ओ वहाँ है, ठीक इधर से सही हुआ भाई, रास्ता पूछ लिया, नहीं अभी हैरा जाता मैं। और दोस्तों ये आ गया है लावा का व्यू पॉइंट, मतलब यहाँ पे लिखा है लव लावा करके, मतलब मैं देखता हूँ ये वर्थ इट है या नहीं है, अगर होता है तो यहाँ पे रुकते हैं, वरना यहाँ से निकल चलेंगे। तो दोस्तों ये रहा आई लव लावा व्यू पॉइंट, और यहाँ से दोस्तों नज़ारे कुछ ऐसे हैं, जूम करके दिखाता हूँ, वो रहा लावा टाउन। तो दोस्तों मतलब ठीक ठाक है व्यू पॉइंट, यहाँ से नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं ड्रोन शॉट लेने का, तो आपको ड्रोन शॉट प्रेजेंट करते हैं लाइक 3-2-1 धूप बहुत। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं जाता हूँ टुवर्ड्स ऋषभ साइड, मुझको बताया गया है वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब ऋषभ मिलेगा, डेलो करके मिलेगा, उसके बाद में हम लोग पहुँचेंगे कालिम्पोंग। तो अब मैं आपको मिलता हूँ सीधे अपनी बाइक पे। तो मतलब ठीक है व्यू पॉइंट, मतलब मेरे मतलब की जगह नहीं है, ऐसा ही एक व्यू पॉइंट टाइप का बना हुआ है जहाँ से आपको मिल जाता है ठीक ठाक व्यू, लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, उसके बाद में कट ले रहे हैं। तो ऐसे ही सीन आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से अभी दोस्तों निकल रहा हूँ टुवर्ड्स ऋषभ, जो कि मुझको बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। मुझको सही बताया था कोलाखाम वाले भाई ने कि जो लावा है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पे है, मतलब अब जब मैं कालिम्पोंग की साइड जा रहा हूँ तो मैं अच्छा खासा डिसेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों कोई तो गांव यहाँ पर आया है लावा से ऋषभ जाते टाइम पर, क्या है इस जगह का नाम? इस जगह का नाम है, क्या नाम है ऋषभ के लिए ये यहाँ कहाँ जाता है? अलगड़ा। तो ऋषभ के लिए ये है, ओके थैंक यू। दोस्तों सही हुआ यहाँ पे रास्ता पूछ लिया गया है, वरना अभी तो मैं निकल जाता टुवर्ड्स आलगड़ा। तो खतरनाक स्टाइल में दोस्तों एंट्री होने जा रही है हमारी, मतलब अभी तक हम लोग कर रहे थे डिसेंड, और अब ऋषभ के लिए मुझको लग रहा हम करेंगे असेंड। वो मतलब मेरे लेफ्ट और राइट क्या है, ये पाइन फॉरेस्ट है, देवदार फॉरेस्ट है, जो सा भी फॉरेस्ट है
है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्केरी भी। प्लास्टिक फ्री जोन है तो कृपया करके यहाँ पे कचरा ना फैलाएं। काफ़ी खूबसूरत है यहाँ से व्यू। बाबा इधर मेन कहाँ है गांव जो है ऋषभ? तो भाई लोग ऊपर ऐसा हट शेप कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे ऐसा गेट पे ला करके गाड़ी रोक ली गई है। भाई का कहना है अंदर सभी नहीं का ही है, तो एक बार एक टूर लेकर के आते हैं इस जगह का। बहुत ही खूबसूरत सी एक प्रॉपर्टी बनी है दोस्तों। नाइस कैमरा, आर यू आर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर? क्रेजी। तो दोस्तों मस्त प्रॉपर्टी बनी हुई है, इस जगह का नाम है रोजडेल इन करके। ऊपर जाने के बाद देखता हूँ यहाँ पे मौका लगता है तो ट्राई करते हैं ड्रोन शॉट लेने का। वो चिलीज दादा चाय हो जाएगा क्या? चाय करवा दी है चाय। तो दोस्तों कुछ ऐसा है ऋषभ विलेज, मतलब थोड़ी देर पहले तक मैं उस साइड पे था, वहाँ पे मेरे ड्रोन में आ रहा था कुछ इशू उड़ाने के लिए, इसलिए मैं अपनी बाइक लेकर के आ गया यहाँ। अगर आप वहाँ देख रहे हो बाइक लगी हुई मेरी, तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऐसी प्रॉपर्टी बनी हुई है विद द व्यू। यहाँ पर शायद कोई तो पर्सनल इनकी प्रॉपर्टी है, तभी बाइक बाहर गेट लगा हुआ बाइक लगवा दी गई। तो यहाँ से दोस्तों नज़ारे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, गेस्ट वेस्ट आ रहे हैं जैसा कि आप नीचे देख रहे हो, तो मतलब मस्ट विजिट टाइप की प्लेस है। मंगवाली गई है चाय, यहाँ पे चाय पीते हैं उसके बाद में मैं निकलता हूँ ऋषभ से। तो ऋषभ जो है मुझको बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल टाइप का ऐसा विलेज लगा, मतलब यहाँ पे होमस्टेज वगैरह बने हुए, काफी धासु होमस्टे बने हुए, यहाँ से नजारे दोस्तों बहुत जबरदस्त हैं। तो अब यहाँ से मैं निकलता हूँ और मैं आपको मिलूंगा सीधे अब अपनी बाइक पे। कालिम्पोंग की तरफ जाऊं, डेलो की साइड, बारिश आने वाला है। तो दोस्तों अब निकलता हूँ मैं यहाँ से। बॉय जो थे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे, उन्होंने मुझको बताया कि यहाँ से बहुत तेज़ी में हिल लो क्योंकि बारिश थोड़ी देर में ऐसा पड़ने वाला है। मतलब ये वाला तो मैं आपको रास्ता दिखा चुका हूँ, तो अब मैं आपको सीधे मिलता हूँ उस वाले टी पॉइंट पे। तो भाई लोग अब मैं आ गया हूँ वो वाले टी पॉइंट पे, मतलब जब मैं लावा से आया था तो मैंने वो वाला रूट लिया था और फिर मैं आ गया था इधर, लेकिन अभी मुझको जाना रहेगा इस साइड टूवर्ड्स कालिम्पोंग। तो अब जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, बोला गया हाईवे अच्छा और इस टाइम पे 2:15 हो रहा होगा। तो दोस्तों मतलब जो ऋषभ और लावा है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, अभी हम लोग पूरा कर रहे हैं डिसेंट टूवर्ड्स कालिम्पोंग साइड। तो दोस्तों यहाँ पर माहौल एकदम फॉगी हो गया है, मुझको कहाँ जाना है भाई यहाँ से? अलगड़ा कालिम्पोंग, ओके इधर वाली साइड जाना है मुझको। सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ भाई, रास्ता ना है, आ जाऊँ मैं। अलगड़ा बाजार, दोस्तों अलगड़ा बाजार में एंट्री हो गई हमारी। इतनी सारी पब्लिक क्या कर रही है यहाँ पे? तो दोस्तों काफी बड़ी जगह है अलगड़ा, यहाँ पे बना है सत्यनारायण मंदिर। मैम विच वे टू कालिम्पोंग? थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एटीएम भी उपलब्ध है एक्सिस का, सेंट्रल बैंक का, मतलब किसी चीज़ की कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। काफी बड़ा टाउन है, कभी मैंने इसके बारे में सुना नहीं था, लेकिन आज आ गया हूँ तो आपको दिखा दिया है और बता दिया है। अलगड़ा क्रॉस गया, अलगड़ा से हल्का सा आगे जाओगे ना, पूछना मंगसंग जाना है, ठीक है? मंगसंग बीरो, मनसंग का है, मनसंग 1.5 किलोमीटर है। थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ऐसे ही सीन चल रहा है, कुछ कुछ ऐसा पब्लिक लोग जो है सजेस्ट करते जा रहा है, रास्ता आदमी रास्ता छोड़े जा रहा है, मतलब रूट कालिम्पोंग जाना है लेकिन हमको पूरा दाएं बाएं होना पड़ेगा इधर उधर। एक ही दिन में सब कुछ दिखा दूंगा दोस्तों मैं आपको, लावा ऋषभ अलगड़ा मनसंग डेलो कालिम्पोंग। कालिम्पोंग लेकिन हम करेंगे कल अच्छे से एक्सप्लोर, क्योंकि कालिम्पोंग है बड़ा टाउन। कट ले यू टर्न टाइप का ऊपर ना। थैंक यू।
तो दोस्तों ये आ गया है जंक्शन, यहाँ से मुझको जाना रहेगा ऊपर। जो लेफ्ट में रास्ता स्ट्रेट जा रहा है वो जा रहा है डेलो 7 किलोमीटर। तो दोस्तों हमारी एंट्री हो गई है मनसंग गांव की तरफ के लिए। तो आर्मी का एरिया लग रहा है दोस्तों, है बहुत ज्यादा खूबसूरत ये जगह। तो यहाँ से पहले निकल लेते हैं दोस्तों, आर्मी का एरिया चल रहा है। ब्रो मनसंग आगे, मनसंग ओके। लखनऊ लखनऊ। तो भाई लोग मुझको लग रहा है यही है मनसंग का व्यू पॉइंट। तो इसको एनाकोंडा व्यू पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि नदी ऐसा एनाकोंडा टाइप दिख रहा है। ओके और वो क्या है उधर सिक्किम रंगपू। तो भाई लोग धांसू सी है जगह और खूबसूरत से है यहाँ पे नज़ारे। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे चारों तरफ आपको मिलेगा यहाँ पे सुपर व्यू। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो कैसा क्लाउड फॉर्मेशन और सनलाइट यहाँ पे गिर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ऐसा एक ड्रोन फ्लाई करने का। तो अगर ड्रोन इस बार रन फन नहीं करेगा तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक ड्रोन शॉट। कहाँ पे? एनाकोंडा व्यू पॉइंट। तो आप देखो यहाँ के नज़ारे। तो मनसंग जाते टाइम पर ऐसा एक व्यू पॉइंट आएगा, इसको बोलते हैं एनाकोंडा व्यू पॉइंट, क्योंकि जो ऐसा ये नदी है एनाकोंडा शेप में। तो यहाँ से नज़ारे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। अगर आप उस साइड कहीं पे ऐसा धुंध देख रहे हो तो वहाँ पे हो रही है बारिश, तो कुछ ऐसा है व्यू। यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। तो ये एक भाई मिले आपको, क्या नाम है भाई आपका? मेरा निगमा। निगमा तो आप कहाँ के हो? आप बोले सिक्किम। सिक्किम का हूँ। सिक्किम के हो? सिक्किम जो पाक्योंग एयरपोर्ट है ना उसी के पास। ओके तो आपका बोलना है यहाँ से निकल जाना चाहिए मुझको, क्योंकि बारिश स्टार्ट होने वाला है। बारिश आ गया तो ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। पूरा बारिश बारिश आने वाला है, आने वाला है, आ रहा है वो। आ गया आपके बोलते बोलते आ गया भाई, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से स्पीड। दोस्तों यहाँ पे हमने लिए कुछ ड्रोन शॉट, उम्मीद है कि आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, पहले मुझको जाना रहेगा ऊपर, वहाँ से मुझको जाना होगा डेलो। डेलो के बाद में जाऊँगा मैं कालिम्पोंग, जहाँ पे मिलने वाला है मुझको मेरा फ्रेंड। तो अब हमारी मुलाकात कहाँ पर होगी? बाइक पे। तो वापस से यही वाला रूट मैं आपको क्या दिखाऊं दोस्तों, अब मैं आपको सीधे मिलता हूं उस वाले जंक्शन पे जहां से हमको जाना रहेगा टुवर्ड्स डेलो एंड कालिम्पोंग। तो दोस्तों आ गया हूं मैं वाले जंक्शन पे। यहां से डेलो है 7 किलोमीटर, कालिम्पोंग है 12 किलोमीटर। आई जस्ट होप कि एक ही रास्ते पे दोनों का दोनों फॉल करे, वरना आज का वीडियो हो जाएगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लंबा। तो दोस्तों एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऐसी मोनेस्ट्री आई है यहाँ पर, है बुद्धा का स्टैचू, काफ़ी बड़ा स्टैचू दिख रहा है मुझको। यहाँ कहीं गाड़ी लगा करके कुछ चाय चुई पी लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त राहुल एके व्लॉगिंग हम का। तो पीछे मुझको दिख गया रेस्टोरेंट, यहाँ पे मैंने बोल दिए नूडल्स, मतलब इस टाइम पे लग रही थी भूख। तो यहाँ पे मैं उसका वेट करता हूँ, एक बार वो आता है तो आपको कराता हूँ मैं उससे मुखातिब। तो भाई लोग ये आ गई अपनी नूडल्स विथ स्विंग लीची फ्लेवर, माई फेवरेट। तो भाई लोग ये आ गए अपने दोस्त राहुल एके ए व्लॉगिंग हंक। वेलकम के लिए आपके लिए कालीबंग को स्वागत है। वेलकम टू कालीबंग राहुल भाई। कालीबंग वाला सीन है। आओ भाई अंदर बैठते हैं थोड़ी देर। चलिए चलिए। तो भाई लोग अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये जगह का नाम है बुद्धा पार्क करके, जैसा इसने मुझको बताया। तो अगर आपको कालिम्पोंग और इसके अराउंड का कोई भी वीडियो देखना, अभी इधर साइड विजिट कर रहे हो तो आप इसका चैनल जरूर से देखिएगा। काफी ज्यादा बड़ी जगह है कालिम्पोंग और बहुत कुछ है वहां पर एक्सप्लोर करने के लिए, इसीलिए एक दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ कालिम्पोंग एक्सप्लोरेशन के लिए रखा है। तो कल मैं और राहुल एके ए व्लॉगिंग हंग करने वाले हैं कालिम्पोंग को अच्छे से एक्सप्लोर। हेलो नमस्ते, वेलकम छा कालिम्पोंग मा, सही बोला ना? सही।